भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आकांक्षा अवस्थी अभिनीत भोजपुरी फिल्म दबंग सरकार बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर शानदार तीसरा सप्ताह प्रवेश कर लिया है। यानी कि तीसरे सप्ताह भी बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर खेसारी लाल यादव का जलवा देखने को मिलेगा। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने दूसरे सप्ताह तक अब तक का कितना कलेक्शन किया है। हालांकि आपको बता दें कि दबंग सरकार के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि फिल्म ने अब तक का कितना कलेक्शन किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि फिल्म ने पहले हफ्ते यानी कि पहला वीकेंड करीब 3 करोड़ की कमाई की, तो वहीं सेकंड वीकेंड यानी दूसरे सप्ताह करीब 1.5 करोड़ की कमाई कर चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म ने अब तक 4.5 से 5 करोड़ के बीच का बिजनेस कर चुकी है। पहले हफ्ते ने मुंबई और गुजरात के सिनेमाघरों में भी लगाया गया था, लेकिन अब बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का तीसरा सप्ताह शानदार प्रवेश कर लिया है। दबंग सरकार में खेसारी लाल यादव का बिल्कुल दबंगैया अंदाज भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव पहली बार टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी के साथ इस फिल्म में नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। खास करके खेसारी और आकांक्षा अवस्थी पर फिल्म आया हुआ रोमांटिक सॉन्ग दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक दबंग सरकार नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखें, और जिन लोगों ने दबंग सरकार देखा है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको खेसारी लाल यादव का दबंगैया अवतार कैसा लगा। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।